हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और गाइस आज सुबह से लगी हुई है बारिश। ये देखिए बाहर मौसम जो है वो बिल्कुल ही, बाहर मौसम देखिए बिल्कुल एकदम बादल हो रखे हैं। अभी बारिश हो रही थी, अभी अभी जो है वो बारिश बंद हुई है, सुबह की बारिश लगी हुई है। और मुझे इतना आलस आ रहा था आज, इतना आलस आ रहा था व्लॉगिंग करने में, तो अभी जो है वो मैंने फाइनली व्लॉगिंग शुरू की है और मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ। तो गाइस अभी समझ नहीं आ रहा कि दोपहर के खाने के लिए आज क्या बनाया जाए। आज हम लोग मंडी गए थे और हम लोग लेके आए, ये लेके आए बहुत सारे टमाटर। ये देखिए टमाटर लेके आए और मेथी लेके आए हैं हम लोग, और साथ में गोभी लेके आए हैं। बहुत ही शानदार और अच्छी गोभी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, साथ में साग लेके आए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो है क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेथी अभी जो है टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है दोपहर का, और अगर मैं मेथी बनाती हूँ तो मेथी इतनी जल्दी जो है वो सूखेगी ही नहीं, क्योंकि बाहर मौसम भी ऐसा है, धूप में रख नहीं सकते, धूप निकली नहीं हुई है तो रखेंगे कहाँ से, तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वो सूखेगी नहीं और फिर वो कड़वी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो अभी क्विक ऐसा करती हूँ कि क्विक जो बन जाता है वो बना लेती हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, मेथी की टिक्की बना लेती हूँ और साथ में हम लोग बनाएंगे चपाती, क्योंकि बाहर मौसम जो है वो ख़राब है तो ऐसे मौसम में पकोड़े खाने का बड़ा मन करता है। एक पकोड़े के पकोड़े हो जाएंगे और जो दूसरी है मेथी की मेथी हो जाएगी, तो मेथी भी यूज़ में आ जाएगी और पकोड़े भी बन जाएंगे। तो चलिए गाइस अब चलती हूँ मैं किचन में फटाफट काम करने के लिए और आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। तो जी आ चुकी हूँ मैं रसोई में और अब जो है मेथी को खोलेंगे हम लोग। और मेथी को पहले मैं सबसे पहले इसको चुनूंगी, इसके पत्ते जो हैं वो अलग कर लूँगी, पत्ते छांटूँगी इसके, और उसके बाद जो है इसको काट के धो के रख दूँगी, फिर ही जो है बाकी काम जो है होगा। तो इसमें प्लेट में निकाल रही हूँ मैं साथ में गाइस। और यहाँ पे इतनी हमारी जो रसोई है वो इतनी छोटी है कि पता नहीं चलता इसमें कैमरा कहाँ पे लगाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी एंगल जो है पता नहीं अच्छा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे मैंने जो है वो लगाया हुआ है, कैमरा फिट किया हुआ है। तो फटाफट से जो है मैं इसको कर लूँ, तो मिलती हूँ आपको इसको मैं पूरी, जब मैं इसको छांट लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपको गाइस। तो जी मुसीबत पे मुसीबत आती है गाइस, तो लाइट चली गई है। तो अभी मैं लेके आई हूँ ये टॉर्च, अभी यही जला के जो है वो काम होगा किचन में, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो है लाइट नहीं आती है रसोई में, बाहर की आई थिंक, मेरे कहने का मतलब है कि बाहर की लाइट नहीं आती है रसोई में और यही जलानी पड़ेगी अब, इसी टॉर्च के सहारे मुझे खाना बनाना पड़ेगा। एक तो वैसे ही व्लॉगिंग शूट नहीं होती और अगर करने जा रही हूँ तो ये हाल हो रहा है, लाइट चली गई, कोई चाहता नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, एक तो व्यू भी नहीं आते, ऊपर से कर रही हूँ काम तो बिजली का ये हाल है। आज तो वैसे भी जाएगी लगता है, सुबह की 3 बार लाइट जो है वो जा चुकी है। तो गाइस आपको मैं मिलती हूँ इसको छीलने के बाद। तो जी मेथी जो है वो मैंने चुन ली है, अब फटाफट बारी है इसको काटने की, तो जल्दी जल्दी मैं इसको काट लेती हूँ, क्योंकि गाइस इससे पहले कि लाइट आ जाए जल्दी जल्दी काट के काम ख़त्म कर देते हैं। और जो चाकू है वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया है, तो इसी वाले चाकू से काटना पड़ेगा। तो जी फटाफट इसको काटती हूँ, बारीक बारीक काटूंगी एकदम, ताकि जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो एकदम से अच्छी बने। अभी इसमें आलू भी डालेंगे, क्योंकि अकेली अगर मेथी की टिक्की बनाओगे आप लोग तो वो कड़वी बनेगी, और बिना लाइट के काम करना भी बड़ा मुश्किल है और साथ में व्लॉगिंग करना, पर चलो कोई बात नहीं, काटते हैं हम लोग फटाफट।
वो मैंने काट ली एकदम बारीक बारीक। और अब इसको वॉश करूँगी, वॉश करके रखती हूँ। और ये जो खलारा है इधर पड़ा हुआ है इसको उठा लूँ, तो फटाफट करती हूँ गाइज, तो आपको भी दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ। तो गाइज़ ये जो मेथी है वो मैंने वॉश कर दी है, और हमारे जो किचन है इसमें बहुत ही कम जो है वो स्पेस है, तो जिस वजह से जो है व्लॉगिंग मैं प्रॉपर नहीं कर पाती। या तो मैं रेसिपी दिखा दूँ और या जो है खुद का चेहरा दिखा दूँ। तो अभी इस जगह पे एंगल पे फिट किया हुआ है कैमरा कि मैं अपना फेस भी दिखा रही हूँ और साथ साथ में काम कर रही हूँ, पर काम नहीं दिखा सकती आपको दोस्तों, क्योंकि दो बंदे नहीं हैं साथ में, मैं अकेली हूँ व्लॉगिंग करने वाली, और कैमरा जो है बड़ा सेटअप करना मुश्किल है अकेले। और अब जब मैं ये टिक्कियाँ तलूँगी तो तब या तो मैं टिक्कियाँ दिखा लूँ या खुद आ जाऊँगी कैमरे में, तो दोनों में से एक ही काम होगा। तो एक चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगती है, चाहे धनिया हो चाहे कुछ हो, पालक हो, जब इसको धोते हैं तो ये देखिए ये हाथों में से ऐसे चिपक जाती हैं, ये निकलती नहीं है एकदम से। तो इनको निकालती हूँ, तब तक मैं होप करती हूँ कि लाइट भी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, वरना ये वाली लाइट की तो कोई पता नहीं कब टाइम बोल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये थोड़ी सी जब ये जो मेथी है धुली है मैंने, ये थोड़ी सी सूखती है तो उसके बाद ही जो मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। न्यूज़ है कि लाइट जो है वो आ चुकी है, और मैं छील रही हूँ आलू जो कि उबले हुए हैं। सुबह हमने जो थी आलू की पराठे बनाए थे, रोटियाँ बनाई थी, तो जो आलू है वो बच गए थे, तो इसी आलुओं का मैं इस्तेमाल कर लूँगी टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो फटाफट छीलती हूँ तो उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो जी आलू छील लिए हैं और मेथी जो है पहले ही काट ली थी, तो अब इसी में ट्रांसफ़र करूँगी मेथी। ये गई मेथी, और इसी में मैश करूँगी आलू। ये ऐसे करके मैश कर दूँगी, इसी में हाथ से ही दबा के डालूँगी। ये डल गए, ये देखिए साथ में इसमें जाएगी हरी मिर्च, डाल दी उसमें हरी मिर्च, तो एकदम बारीक बारीक काटूंगी। और ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी आता है मुंह में। थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी दोस्तों, क्योंकि अजवाइन जो है पेट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि पकोड़े जो है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो ये गई थोड़ी सी अजवाइन, ये डाल दी, और इसके साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे सूखा धनिया, पर सूखा धनिया यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। ये क्या इसमें सूखा धनिया, और अब इसको करूँगी मैं मिक्स, अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि गाइस मुझे पता चल जाए इसमें बेसन कितना डालना है। और उसके हिसाब से ही जो है वो मैं डालूँगी क्या बोलते हैं इसको, नमक। दोस्तों ये इतनी हो गई हैं, पता नहीं ये कैसी तैयार होंगी, मैं पहली बार बना रही हूँ। और पहले तो नमक ही डाले, पहले तो इसमें डाल लेती हूँ बेसन, नमक बाद में डालूंगी क्योंकि मुझे ऐसे हिसाब नहीं रहता, अगर ये ज़्यादा हो गया नमक तब भी मुश्किल है, कम हो गया तब भी मुश्किल है, कम हो गया तो मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा हो गया तो तब भी दिक्कत करेगा।
तो गाइस मेरी मेथी तो थी गीली, तो इसीलिए मैंने पानी नहीं इसमें डाला बिल्कुल भी। तो आप भी जो है अगर आपकी मेथी सूखी हो तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो। यहाँ तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, ऐसे ही इसको गूंथ लिया अच्छे से, और थोड़ी सी और मैं बेसन डालूंगी इसमें। देखने में इतनी ज़्यादा लग रही थी, अब बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है एकदम। तो ये गूंथ चुका है और अब इसमें मैं डालूंगी नमक जो है। दोस्तों मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, तो आई थिंक इतना ठीक होगा, ज़्यादा ना हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। सहलेंगे थोड़ा सा, स्वाद आगे आ जाएगा। मैं तो नमक मिक्स कर लेती हूँ मैं। इसको मैं चख नहीं सकती गाइस, आप नमक चेक कर लेना, क्योंकि हम लोग तो चढ़ाते हैं पहले भोग, उसके बाद ही खुद खाते हैं। तो मैं तो नमक नहीं चेक कर पाऊंगी। तैयार है, ये देखिए ये ऐसा हो गया। तो इधर मेरी काली कढ़ाई तैयार है। मैंने आपको कल बोला था कि मम्मी मेरा व्लॉग देख के जो है वो बोलेगी कि काली कढ़ाई क्यों चढ़ाई, तो वही बात हुई। मम्मी ने व्लॉग देखते ही बोला कि काली कढ़ाई क्यों चढ़ाई, पर उनको क्या पता कि मेरा कढ़ाई काली कढ़ाई के साथ कितना ज़्यादा प्रेम है। तो पकौड़े के हिसाब से मैंने तेल डाल लिया, तेल मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि पकौड़े जो हैं वो टिक्कियाँ जो है वो फ्राई होंगी, टिक्कियाँ जब पकौड़े कुछ भी बोलो फ्राई होंगे तो ऐसे ही तेल में होंगे। तो अब जो है मैं इसको वेट करूंगी तेल गर्म होने का। तो जी ये मैंने टिक्की बनाई थी अभी अभी उठा के, और कैमरे में जो थी मैंने कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा बंद हो गया था। और यहाँ पे जो है हमारा तेल जो है एकदम से गर्म हो गया है, और अब इसमें मैं फ्राई करूँगी टिक्की। तो मीडियम ही रखना है गाइस गैस को। और जब तक नीचे से पक ना जाए तब तक बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चलाने की, नहीं तो टिक्की जो है वो टूट जाएगी। जल्दी जल्दी दूसरी भी बना के डाल देती हूँ, ये दूसरी गई। साथ साथ में जो है गाइस चेक करेंगे, ये लाल हो चुकी है, इसको पलट देंगे, जो दूसरी हैं उन पे तेल करेंगे ऐसे ऐसे। दूसरी भी पलट दी और ये तीसरी भी पलट दी। अब बारी है निकालने की टिक्की की। तो अभी देखती हूँ टिक्की कैसी बनी है। तो ये देखिए गाइस फाइनली जो मेरी टिक्की है वो रेडी है और ऐसी बनी है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरी जो है वो पलट लेती हूँ। और तैयारी करती हूँ तीसरी टिक्की की।
जाएंगी। वो जो हो गई है इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो जी मिलती हूँ आपको सारी टिक्कियाँ निकालने के बाद। जी तैयार है मेरी मेथी की टिक्कियाँ। ये देखिए गाइस, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और बाकी जो है वो भी निकल रही हैं, तो देखिए। और गाइस, जब अभी तो मैंने निकाल ली हैं, पर एक बार इसको मैं और जो है एक बार और इसको निकालूंगी तो फिर अच्छी लगेगी। तो गाइस, मैंने खा ली हैं टिक्कियाँ, तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी, बड़ा मज़ा आया खाने में। तो चलिए गाइस, अभी मैं मिलूँगी आपको अपने नए व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।